नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी कल यानी मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया था। हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई थी कि जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल ने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत गलती है, मेरे मुवक्किल की नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल जेल में है और हम वकील हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा इरादा कोर्ट को गुमराह करना नहीं है और हमने ऐसा कभी नहीं किया। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से असल में माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि जज ने कहा था कि आप राहत के लिए एक साथ दो अदालत पहुंचे, एक में जमानत मांगी और दूसरे में अंतरिम जमानत मांगी। कोर्ट ने आगे कहा कि आप समानांतर उपाय अपनाते रहें। आपने हमें कभी नहीं बताया कि आपने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है, आपने ये तथ्य छिपाया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।